हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम बताओ। मैं तो कुछ नहीं कर रहा। हंस क्यों रहे हो? अपनी अरे अपनी बहन के लिए। बहन के लिए क्यों हंस रहे हो? पूछो। नहीं, अरे तुम रहने दो, फिर तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। मैं क्यों मजाक नहीं उड़ाऊंगी? फिर तुम गंदा गंदा बोलोगी ना मुझे। मैं क्यों गंदा बोलूंगी तुम्हें? मुझे पता है ना तुम बोलोगे। अरे बताना तो बताओ कि वो हम तो मत बजाओ तुम। अभी नहीं मुझे पता है ना क्या बताया तुम्हें? तुम गंदा गंदा बोलोगे। मैं तो जानता हूँ भाई तुम्हें। पहले से इंसान को चीज़ें डिसाइड नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला क्या चलो बोलेगा। ठीक है, तुम्हारे मुंह से छी वगैरह नहीं निकलना चाहिए, ठीक है? एक्चुअली मैं अपनी हुडी लाया था तो बहन पहन के बैठ गई, तो मैंने कि दे दे बहन, दे दे बहन, मेरे को ठंड लग रही है, पा जा रहा हूँ। अरे अब मैंने पहन लिया ना, मैं नहीं दे रही, मैं नहीं दे रही। तो मैंने उस पर उससे अपनी नाक पोंछ दी, फिर उसने वो पहनना छोड़ दी। हाँ वगैरह हमने, मैंने गंदा इंसान, अब दूल्हे की तब पहनूंगी और मैं मस्त पहन के घूम रहा हूँ। अब हाउ शेम ऑन यू यार, हाउ शेम ऑन यू। मतलब चीची नहीं बोल रहा तो शेम मोनियो। अरे छी और गंदा बोलने के लिए मना कर रही थी ना, मैंने बोला नहीं। हाउ शेम ऑन ये अंग्रेजी अपने पास रखो, यू, शर्म आनी चाहिए। हिंदी भी अपने पास रखो, ये वाली मराठी बोलूँ? मराठी आती नहीं बोलो, है, आती नहीं है गुजराती आती नहीं है। और कोई तरीका नहीं था ना वो मेरी उड़ी उतरवाने का। तो मतलब तुम किसी के मतलब अपनी उड़ी पे नाक लगा दोगे? हाँ मेरी नाक, मेरी उड़ी, मस्त डिस्गस्टिंग। नहीं, मस्त नाक खैर लगी मुझे मेरी। इतना शॉकिंग रिएक्शन लगा नहीं देना जरूरी समझा ही नहीं मैंने अपने आप को। बिकॉज आई नो तुम ऐसे ही हो, तुम गंदे टाइप के ही हो तुम। गंदा हूँ तो तुम कैसे हो? मैं नहीं करती ऐसे नाक वाक लगाने वाले काम। क्या देखा है मैंने देखा तुमने? क्या उस दिन वो रेस्टोरेंट में, तुमने क्या किया था देखा है मैंने। किया था हमने? मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बोल लो, कहता हूँ मैं बोलना नहीं जा रहा हूँ, बोल लो तो बोल लो, तो तो बोलना चाह नहीं रहा हूँ ना। बोल भी सकते हो। नहीं बोलना तो कोई दिक्कत नहीं रेस्टोरेंट है। में कैसे नाक लिए तुमने? बड़ा अपने हाथों से पहुँच के उस टेबल के नीचे साफ किया था, हाथ देख लिया तुम्हें, लगा किसी नोटिस नहीं है? मैं नोटिस कर लिया था, तुम जो होशियार बनते हो ना कि हाँ तुम जो करते हो तो चलो कोई टॉपिक नोटिस चेंज करते हैं, नहीं, नहीं तुम जो करते हो तो कोई टॉपिक चेंज करते नहीं हैं। नहीं नहीं अब नहीं, टॉपिक चेंज मैं करते ऐसे हैं। टॉपिक और बात क्या करना कर रहे हो चाहूँगा, आप? मैं यही बात कर रहा हूँ और इसी पे करना चाहूँगा। जो मत तुम करो, नहीं, जो तुम्हें लगता है ना, मत तुम तो करो। कुछ भी करो, कोई तुम्हें देखता ही नहीं है, कोई तुम्हें सुनता ही नहीं है, मैं सब देख रहा था वहाँ तुम पे बैठे हो कहाँ बैठे। पे? क्यों घर ये तुम हो कहाँ पे? पे कहाँ तो इतना साउंड कहाँ से आ रहा है? आ रहा है साउंड? हैमर का साउंड आया है अभी सडनली। नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ टॉपिक चेंज कर रहे हो? टॉपिक चेंज नहीं कर रही हूँ, भले तुम इस टॉपिक पे बात कर रहे हो ना, पर मुझे बिल्कुल ऐसा लग करूंगा रहा मैं तो है, इस टॉपिक पे, मुझे ऐसा लग रहा है तुम कहीं बाहर हो। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, मैं इस टॉपिक को एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड वो क्या होता है? खींचना, अच्छा खींचूंगा इस नहीं, टॉपिक को। एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं बाहर तुम्हें किसी ऐसा और के लगता साथ है, हो। तुम्हें ऐसा लगता है कोई तुम्हें देखता ही नहीं है ये हरकतें करते हुए, लेकिन मैंने कब बोला था कि तुम भूल मुझे कोई जाते हो देखता यू नहीं? आर अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन नहीं होता है, ह्यूमन होता है। हाँ वो ह्यूमन, ह्यूमन ह्यूमन नहीं, ह्यूमन ये फिर से टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तुम। ह्यूमन होता है। आप कम से कम इंग्लिश के वर्ड, आई नो आपको इंग्लिश नहीं आती, बट एटलीस्ट आप वर्ड सही तुम बोल भूल सकते जाते हो। हो, तुम भी एक इंसान हो, मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं इंसान हूँ। तुम्हारे अंदर ही सारे फंक्शन इंसानों वाले हैं, उनकी भी नाक फंक्शन बहती है, रोबोट के तुम्हारी भी अंदर होते बहती हैं, है। फंक्शन रोबोट के अंदर होते हैं। हाँ नहीं तो तुमने कैसे कह दी मेरे को गंदा? उस दिन जो इंसान के तुमने अंदर किया था वो बॉडी अच्छा था, पार्ट्स होते हैं। उस दिन जो तुमने किया था वो अच्छा था, तुम्हें देख के कैसा लगा? गंदा। तो ऑब्वियसली गंदा ही तो था। तुमने मुझे गंदा अब कैसे ये बोला? वाली मैंने गंदा कब बोला? बोला तुमने मैंने गंदा बोला नहीं, शेम ऑन यू, मैंने गंदा गंदा नहीं बोला शेम मैंने। ऑन यू तो बोलूंगा। अरे यार ऑब्वियसली बात है यार, ये तो इंसान की मतलब हर किसी इंसान के संग होती है ऐसी चीजें। तो यू आर कोई शेम ऑन यू, बोल, मुझे वैसे फर्क नहीं शेम ऑन यू की पड़ता, हिंदी क्या होती है? शर्म आनी चाहिए। अच्छा तो आती है। मैंने आपको शर्म आनी, शेम ऑन यू इसलिए बोला बिकॉज आपने अपनी हुडी पर लगा दिया था, इसीलिए बोला मैंने। हाँ तो तुमने भी तो टेबल पे लगा दिया था, कौन से मेरे ताऊ दिला गए थे टेबल को? मतलब अपनी चीज को साफ रखो दूसरी चीज को गंदा। ऑब्वियसली इंसान अपने आप को अच्छे से साफ रखता है। साफ़ तुम जैसे लोग ही रोडों पे कचरा फेंकते हैं और अपने घर को साफ रखते हैं। मैं नहीं फेंकती हूँ रोड कचरा, प्लीज। तुमने अभी कबूल किया फिर मुझे? मैंने तुम कब रोड पे बोला? कचरा नहीं फेंकती? बिल्कुल भी नहीं, श्योर बिल्कुल भी श्योर? नहीं। उस दिन मैं तुम्हें एक्टिवा पे लेके आ रहा था, तुमने चिप्स खाया और चिप्स का पैकेट तुमने फेंका था रोड पे, एक्चुअल मैं एक्टिवा पे मैं जा रही थी, गाड़ी चल रही थी, अगर रुकी होती तो मैं डस्टबिन में या फिर साइड में ही फेंकती। तुमने फेंका ना। तो भाई वहां पे डस्टबिन नहीं था ना, साइड की अरे वजह पाती, डस्टबिन मेन नहीं रोड था था, वो। तुम उसको हाथ में रख सकती थी, आगे आगे मेरे जो हाथ में और भी दो तीन सामान थे। लात मारूंगा, पीछे बैठी हुई थी तुम मेरे साथ।
पीछे बैठी हुई थी, पर एक दो सामान थे मेरे हाथ में। ऐसे चिप्स खा रही थी तुम दोनों? एक फोन, एक में फोन था, एक एयरपोर्ट का वो ऊपर का बॉक्स रखा हुआ था, जेब में था एक तुम्हारी, दूसरा वो इधर जेब को में था, था ना कि तुम्हारे हाथ जेब में? में नहीं था। उस दिन मैं जींस वगैरह नहीं पहनी हुई थी। अच्छा, हाँ, वो रैपर तुम संभाल सकते थे। कहाँ संभालती, एयरपोर्ट क्यों नहीं फेंका? ऑब्वियस सी बात है, एयरपोर्ट कैसे फेंक सकती वो हूँ। एक्सपेंसिव है, और चिप्स का रैपर ऐसे फेंक दिया। तुम क्या पा, एटलीस्ट तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ घर में कचरा करूँ। घर में करता हूँ ना, और कुछ साफ भी करता हूँ। बड़ा भारी साफ करते हो, बता ही रहते हो उस दिन। यार मैंने कचरा करती हूँ, मम्मी उठा रही थी तभी मम्मी कौन झाड़ू बता रहे पोछा किया हैं था। तुमने ही बताया था क्या? कि मैंने झाड़ू, मम्मी ने झाड़ू पोछा किया, मैंने वहीं पे अपनी चिप्स विप्स, पता नहीं तुम कुछ खा रहे होंगे, उसका पैकेट फेंक दिया, फिर मैं उठाना भूल गया, मम्मी उठा रही थी बेचारी। और इसके बाद का सीन तुम्हें शायद मैंने बताया नहीं है, तुम भूल गई हो। तो क्या उसके बाद का सीन याद आया कुछ? क्या, नहीं आया होगा। तो उसके बाद वो एक डंडों से मार पड़ी, तो चप्पल पड़ी बिल्कुल सही दो। मार पड़ी, नहीं तो वो वाला नहीं सीन भी सही याद मार करो तो ना बिल्कुल फिर। सही पड़ी ना, बिकॉज आपने ऐसी हरकत करी, आप ऐसी हरकत नहीं करते तो आपको मैं मार नहीं वही तो कह रहा पाती। हूँ, तुमने चिप्स का पैकेट फेंका हो किसी ने तुम्हें मारा नहीं, बट मैंने वो फेंका तो मेरी तो मार पड़ी। वो क्यों भूल जाती हो? वो तो मार पड़ना जायज थी, हाँ तो वो भी तो याद रखो ना कि एक चिप्स का पैकेट फेंकने में दो चप्पल क्यों खाई याद मैंने। रखूं, क्यों क्यों याद याद रखूं। रखूँ? दिक्कत तो तुम लोगों की है, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। कल को मेरे को ही भूल जाओगे। तुम्हें लगता है मेरे को भूल नहीं जाओगे? मैं तो नहीं, हाँ भूल भी नहीं सकती तुम्हें तुम ऐसा क्यों लगता तुम है, भूल भी नहीं सकती। क्यों। मैं तुम्हारे पैसे ले रखे हैं ना, जब भी तुम्हें पैसे की अच्छा कमी होगी तुम्हें याद टू आएगा बी इसको सीरियस, टू उधार बी दिए सीरियस, मैंने टू बी पैसे। सीरियस, टू बी सीरियस, तुमने ये बात टू बोली बी तब, कॉमेडी, टू बी कॉमेडी, टू नहीं बी टू बी कॉमेडी, सीरियस, टू टू बी बी सीरियस। कॉमेडी, टू तुम्हें बी ऐसा क्यों लगता कॉमेडी है कि भाई मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। कि मैं तुमसे पैसे उधार लिए? मैं तो पैसे 24 घंटे पैसे पैसे चौबीस घंटे पैसे, अपना रो ना रो ना। तो मैं कब, मैंने कब रोया, मैं तुम्हारे सामने रो रही हूँ, मैं तुम्हारे मैंने सामने कब पैसा गिड़गिड़, बोला? मैंने तुमसे पैसे मांगे तो आप तो पैसे की बात कर रहे हो, तो आप भी तो रोने की बात करते मैंने हो। कब रोया, अभी तो रोया, मैंने कब रोया। अभी तो रोया। अगर आप किसी को अपने मन की बात बताते हो, उसे अगर आप रोना कहते हो, तो आज के बाद आप मुझसे ना बात पूछने की उम्मीद रखें, ना फिर आप मुझे बात बताने की उम्मीद अगर आप रखें। पैसे की बात सोच रहे हो, पैसे की बात ला रहा हूँ तो आपको लग रहा है ये वो, तो आप वो पैसे की बात मजाक मुझसे ला में, रहे हो। वो वो एक, मजाक नहीं, वो इनडायरेक्टली तुमने मेरे को टोन मारा। अब मैं तुम्हारी सोच को चेंज तो नहीं कर सकती ना, तुम्हारे दिमाग के अंदर तो नहीं घुस सकती ना मैं, मैं किसी के दिमाग के अंदर कोई नहीं घुस सकता यार, तभी तो बोल रही हूँ मैं तुम्हारी सोच भी नहीं बदल सकती हूँ। बिल्कुल नहीं। तो तुम मुझे अपनी बदलो सोचना है पहले, तो तुम तुम सोचो, अपनी बदलो, मैं क्यों बदलूँ अपनी सोच, मत बदलो। मेरी सोच जैसी है वो बिल्कुल करेक्ट वहाँ है, बहुत बिल्कुल बढ़िया सोच राइट है ना वे में तुम्हारी, है, बहुत बढ़िया बहुत सोच है बढ़िया सोच है मेरी। वो, तो दिखता है। जाओ, इंसान की ना ये चीज़ सबसे बड़ी, इंसान की भी छोड़ो तुम्हारी कमी है, कि तुम्हें हर पॉइंट पे ये लगता है यू आर 101% राइट, एक्चुअल बट में एक्चुअल तुम्हें में भी ऐसा लगता नहीं है, होता है। तुम्हें भी यही लगता है कि तुम हर जगह पे सही हो, नहीं जहाँ पे तुम मुझे नहीं जो, लगता है। अरे जाओ यहाँ सुनो से। मेरी बात, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे एडवाइस लेता हूँ, तुम्हारी बात मानता हूँ, कहीं कहीं मैं अपनी बात जो मुझे लगती है और तुम मुझे जो बताती हो, फिर मैं अपनी बात छोड़ के तुम्हारी बात जो बताती हूँ वो करता वो हूँ, सिर्फ 100 में से 2% होता है। करता हूँ ना, तो मतलब मैं वहाँ पे खुद को गलत मानता हूँ कि हाँ यार ये मैं जो सोच रहा हूँ गलत है, ये जो कह रही है वो शायद सही है, समझ रहे वो हो? सिर्फ नहीं मैं हंड्रेड अपनी परसेंट गलती में से सिर्फ एक्सेप्ट दो करता हूँ। परसेंट होता हाँ है। तो नहीं, तुम तो गलती वो, तुम एक्सेप्ट तो करने अपनी का ढाई मतलब क्या परसेंट होता भी नहीं है, करती हो। गलती एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है, क्या मैं गलती ही करती रहती हूँ क्या मैं। ऑब्वियसली बात है, जब तुम गलती एक्सेप्ट ये बोलो ना कि तुम मेरी बात नहीं, मतलब तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही रखते हो, या फिर तुम कुछ भी बोल नहीं सकते देखो हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊँ, सीरियसली, टू बी सीरियस नॉट टू बी कॉमेडी, ठीक है? अच्छा नॉर्मल भी, नॉर्मल वे, इतना भी सीरियस नहीं इतना भी कॉमेडी, नॉर्मल वे। तुम्हें कोई चीज़ लगती है ना, सुनना, तुम्हें कोई चीज़ लगती है ना, तुमने मुझसे एक बार पूछा भी था, वो 10% का वो मैटर भी हल्के हल्के क्लियर कर रहा हूँ। तुम्हें जो चीज़ कौन सा लगती है दस ना, परसेंट का अरे तुमने पूछा था ना एक कि मैंने मैं कब तुम्हें दस पूछा परसेंट था। बुरी लगती हूँ क्या, तो वो चीज़ मैं भी, वो भी बताता हूँ तुम्हें। अच्छा, बताओ। तुम्हारी सबसे बड़ी एक जो मुझे चीज़ लगती है ना, तुम्हें वो चीज़ लगती है ना, ये चीज़ ऐसी है, मैं यहाँ पे सही हूँ, मैं यही ही करूँगी बिकॉज मेरे को ये लग रहा है। तो हर वक्त ऐसा नहीं होता है तुम्हें लग रहा है या जो तुम कर रही हो सही ही है, ठीक है? हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी तुम कर रही हो, चाहे उसके पीछे जो भी चीज़ें हो, वो हमेशा ही सही हो। वो चीज़ थोड़ा देखो। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मैं आपको ना भूलती हूँ, ना मैं आपको टोकती हूँ, ना मैं आपसे पूछती भी नहीं हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से करते हो ना, बिल्कुल आप अपने मन से करते हो ना, तो बिल्कुल ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, अपने मन से करती मैं हूँ। बोलूँ, बोलो। तुम कर रही हो अपने मन से, बट कुछ चीज़ से अगर सामने वाले किसी भी बंदे को जो तुमसे प्यार करते हैं, नॉर्मल बंदे ही नहीं कर रहा हूँ, जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ अटैच है, उनको अगर इफेक्ट कर रही है वो चीज़,
अगर मैं तुम मेरा भी एग्जांपल दे रही हो ना, तो अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे तुम्हें इफेक्ट पड़ रहा है और इसका आंसर अब तुम ही दोगी, तुम्हें इफेक्ट पड़ रहा है और मुझे लग रहा है कि यार इससे तुम हर्ट भी हो सकती हो, या ये चीज़ मैं नहीं करूँ तो इतना कोई वो नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर मैं करूँगा तुम ज़्यादा इफेक्ट हो जाओगी, तुम थोड़ी हर्ट होगी, तुम अच्छा नहीं लगेगा, तो अब तुम खुद बताओ वो चीज़ करूँगा कि नहीं, खुद बताओ, मैं जवाब नहीं दूंगा इसका, तो सोच के बताना करूँगा कि नहीं, आया ना बोल दो बस। मुझे लगता है जहाँ तक तो नहीं करनी चाहिए, जहाँ नहीं तक मैं एक करूँगा सेकेंड, कि नहीं, नहीं नहीं करनी तुम नहीं नहीं चाहिए करोगे, लोगों की, मतलब तुम नहीं करोगे, नहीं करूँगा ना, नहीं तो तुम यहीं नहीं। पे तुम आ जाती हो, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें एक्चुअल में पता है कि वो चीज़ मुझे हर्ट करेगी, ठीक है, बट फिर तुम क्या सोचते हो, अरे यार तुम्हारा तो हर छोटी चीज़ पे मुंह फूल जाता है, मैं तो जो करती हूँ उस चीज़ पे तुम्हारा मुंह फूल जाता है। अरे भाई हर चीज़ पे मुंह फूल जाता है, तुम एक ही चीज़ को बार बार कह के ऐसे तो तुम मेरी हर चीज़ को, मतलब जो मुझे हर्ट कर रही है वो भी चीज़ छोड़ दो, ये कह के कि तुम्हारा तो हर चीज़ में मुँह फूल जाता है, फुलाते रहो, तुम्हारा तो हर चीज़ में मुँह फूल जाता है, फुलाते रहो, ये मतलब एक ही बात को तुम हर किसी कन्वर्सेशन में घुसेड़ के खुद को सही साबित नहीं कर सकते हो। पहली बात तो ये हर चीज़ में मुंह फूल जाता है, ये मैंने बहुत समय पहले कहना तुम्हें छोड़ दिया है, नहीं कहो, मैं मना नहीं कर रहा नहीं हूँ, तो वो अभी तो भी मैंने कहा बहुत है, समय पहले कहना परसों छोड़ ही दिया कहा है, है। परसों की बात है, परसों ही कहा है तुमने, मैंने ताजा एक ताजा सेकेंड, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया था तुम्हें, रिप्लाई नहीं, परसों बोला था तुम्हारा तो छोटी छोटी बातों में मुंह फूल जाते हैं, इतना ही बोला था, हाँ इसके इतना ही अलावा मैं कह रहा हूँ, मैंने मैं कोई कौन था, रिप्लाई नहीं किया था तो मैं भी आपको। तो इतना ही कह पहले रहा हूँ, मैं तुमने कहीं इतना मैं कहने कहना के छोड़ देती हूँ, नहीं, पहले मैं इतना कहने के बाद भी आपको बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन देती थी, लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन देती थी, पर अब मैं नहीं देती हूँ। तो एग्जैक्टली ये तुम्हारी वो महानता नहीं है, नहीं तो अरे इसमें भी तुम्हारी मैंने गलती है, मैं बताऊँ अब क्यों, वही तो मैं बोल रही हूँ कि हर अब चीज़ में तुम आपको बोल, मेरी हाँ गलती ही बस 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 मैं लगती बता है। रहा हूँ ना क्यों, पहले तुम कम से कम ये बोल के थोड़ा एक्सप्लेन तो करते थे चीज़ को, अब तो तुम डायरेक्ट, अरे यार तुम्हें तो हर चीज़ में, क्या मैं भूल गया क्या बोलती थी, मुंह फूलता है हाँ हर तुम्हारा, चीज़ में तुम्हारा मुंह फूल जाता है, इतना एक्सप्लेन कह के करने अब के तुम बाद क्या होता था, एक्सप्लेन वगैरह भी नहीं करती हो, एक्सप्लेन करने के अब बाद तो क्या वहीं पे होता था, टॉपिक समाप्त, मतलब अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ ये चीज़ मत करो, तुम पता क्या बोलोगी, यार ये चीज़ मैं करूँगी, फिर मैं बोलूँगा अरे यार मुझे अच्छी नहीं लग रही चीज़, और फिर मैं मुँह फुलाऊंगा, तुम्हारा रिएक्शन क्या आएगा, तुम्हारा तो हर चीज़ में मुँह फूल जाता है, इतना कह के वो टॉपिक वो एक्सप्लेनेशन वो कन्वर्सेशन वहीं पर समाप्त, तो वो चीज़ तुम करोगी, मतलब जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है मैं नहीं करूँ, बिल्कुल करो, तो फिर क्या मतलब लेकिन क्या फिर था आप कहने ये का। एक्सपेक्ट ना करें सामने वाले से कि अगर उसको कोई चीज़ लग रही है और वो चीज़ तुम्हें हर्ट कर रही है, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, तो वो चीज़ नहीं करेगा सामने वाले, वो चीज़ फिर डबल करेगा, ये आप उससे एक्सपेक्ट ना करें सामने वाले से, किससे एक्सेप्ट ना करें, मुझसे और किससे, तो भाई अभी तो मैं आपसे ऐसा कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, ना मैं आपसे ऐसी आर्ग्यूमेंट करती हूँ, समझे ना नहीं मैं आपसे आर्ग्यूमेंट ऐसी नहीं, ऐसी ऐसी बातें बोलती हूँ, अरे मतलब समझे आप नहीं, तो कहीं सुनो भी मेरी बात सुनो यार, वही तो है, तुम बात नहीं समझते हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सही, मैं बात नहीं समझती हूँ, तुम मुझे नहीं समझते हो, मैं बात नहीं समझती हूँ तो तुम मुझे नहीं समझते हो कि मैं भाई मैं किस वे में चल रही एक हूँ। बात बोलूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम्हारी यही है कि तुम्हें एक्चुअली लगता है मैं ही सबसे वर्स्ट सिचुएशन में चल रही हूँ, मैंने नहीं बोला ऐसा, मैं ही मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और मैं ही सबसे ज़्यादा परेशानी चल रही हूँ, और सामने वाला मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, बट एक एक दिन या 2 दिन किसी आप सामने वाले को देखो कि वो किस कंडीशन वो किस सिचुएशन है, और क्या मैं उसको उतना अंडरस्टैंड कर पा रही एक हूँ, मिनट मैंने आपसे बोला ऐसा कि मैं ऐसे समझती हूँ कि सबसे ज्यादा परेशान मैं ही हूँ सारी आपने ये बोला जिंदगी ना, आप में। मेरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए मैं किस सिचुएशन हूँ, तो मैं आपसे अबे पूछ रहा हूँ मैंने क्या सिर्फ मैं किस इतना सिचुएशन में बोला, आप देख पा रहे मैंने हो, सिर्फ इतना बोला आप मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, मैंने ये नहीं बोला कि भाई मैं परेशान हूँ, मैं दुखी आत्मा हूँ, मेरे ऊपर ही सारी तकलीफ है, मैंने नहीं बोला आपने ऐसा, बोला ना मैं आप अपने मन अंडरस्टैंड, से सिचुएशन में आपने बनाए बोला ना मैं कीजिए, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं तो करते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो पूरी तरह, एक्चुअल में आप अगर मुझे पूरी दिल की बातें बताओगे, तो सब कुछ बताओगे मुझे, तुम तभी तो बता मैं दियो, कब नहीं बताइए, खुद से पूछ लो ना, जितनी भी खुद से दिल की पूछ रही बातें हैं तुमने हूँ, सब बताएंगी, जितनी मुझे लगती है बताने, मैं उतनी 100% बता देती और तुम्हें हूँ। लगता है कि मैं तुमसे क्या छुपा रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि मैं कुछ, मेरी ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें नहीं पता, कौन सी एक ऐसी बात है तुम्हें नहीं अब तो पता, मुझे नहीं पता तो मैं कैसे मेरी बोल सकती कंडीशन हूँ, मेरी लाइफ मेरी फैमिली, ऐसी कौन सी एक बात है तुम्हें नहीं पता, जब मुझे नहीं पता तो मैं कैसे बोल ऐसी कोई है ही दूंगी। नहीं अरे मेरे तो अकॉर्डिंग, तुम्हारे बल्कि जो तुम्हें अकॉर्डिंग नहीं पता होना चाहिए वो भी तुम्हें पता है, मैंने सब बातें शेयर की हैं तुमसे ए से लेके जेड तक, जो आज तक जो मेरे साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, जो मेरे साथ रिश्तों में रहे हैं, जो मेरी फैमिली है, उनको भी नहीं पता होंगी वो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, तुमसे शेयर की हैं, तुमने वो बातें मुझसे शेयर नहीं की होंगी जो किसी को नहीं पता है, तुमने वो बातें शेयर की होंगी जो 4 लोगों को और पता है, लेकिन मैंने वो शेयर की हूँ 4 क्या आधे लोगों को भी नहीं पता,
तो मेरी जिंदगी में ऐसी कोई बात है ही नहीं कि जो किसी को भी ना पता हो, वो सिर्फ तुम्हें पता हो। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं। तो इतना पर्सनल मेरी लाइफ में कुछ है नहीं। सबको पता है मेरे को, तुम सबसे शेयर करती हो। मैं शेयर नहीं करता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं अपनी लाइफ हर किसी के सामने नहीं रख देता हूं। तो मैं अपनी लाइफ खुलकर नहीं रख देती, मतलब छोटी छोटी बातें शेयर करती हूं, इतना नहीं कि पूरी डीप बातें ही शेयर करती हूं। पूरी डीप बातें मुझसे शेयर नहीं करती हूं, बात तो हुई आगे। अब पूरी डीप बातें मुझसे शेयर करती हूं, मतलब वो बात मुझे ही पता है, किसी और को नहीं पता। लेकिन तुमने अभी खुद कहा कि जो तुम्हें पता है वो सबको पता है। एक सेकंड, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तुम्हें पता है, जो और किसी को भी नहीं पता। अरे कि जो तुम्हें पता है वो सबको पता है। छोटी छोटी बातें मैं सबसे शेयर करती हूँ, बट बहुत डीप बात होती है। मैंने जो पहले बोला मैं अभी भी वही बोल रही हूँ। तुम्हारे समझ, अब कन्वर्सेशन कहीं और जा रही है। जो मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक वो कहीं और था। मैंने क्या स्टार्ट किया था, वो जो 10% था ना, मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया था कि जो तुम्हारी एक सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है कि यू आर राइट, बहुत सी चीज़ों में तुम राइट होती हो, मैं भी होता हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ों में गलत होता हूँ। वहाँ पर मैं किसी से एडवाइस लेता हूँ, तुम हो कोई और हुआ, समझ रहे हो, या किसी में एडवाइस लेता हूँ, सोचता हूँ उसके बारे में। तुम्हारे लिए मतलब हम दोनों रिलेशन, ऑब्वियसली हम दोनों रिलेशनशिप में, तुम्हारे लिए मुझे किसी से एडवाइस लेनी है कि यार अब मैं आगे क्या करूँ, सिचुएशन कैसी भी रख लो, ठीक है, तो मैं किससे एडवाइस लूँ? तुम्हारे लिए मतलब समझाने में दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। मुझे तुम्हारे लिए एडवाइस लेनी है किसी से। मेरे लिए हाँ, तुम्हारे लिए क्या एडवाइस? कोई भी एडवाइस लेनी है। अरे अब इतना दिमाग में एक एग्जांपल, तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। बात हो सकती है ब्रेकअप की हो, बात हो सकती है छोटी मोटी लड़ाई की हो, तो मैं उस हिसाब से बताऊंगा ना। अब यार देखो, मैंने इतना नहीं सोचा, सिर्फ तो मैं एग्जांपल के तौर ही पे। पड़ता है ना रिलेशन में, तो सोचना ही पड़ता है, हवा में बातें नहीं चलती हैं। चलो ठीक है, फोन ना करो सर, मैं दर्द हो रहा। हाँ बार बार बार, मतलब इंसान सोच, तुमने यही बोला मैं इतना ही सोचा। अरे भाई अब तुमने सोच उसे के बताऊंगी ना। नहीं, तुमने उसे बोल दी मैं किसी से बात करूँ तुम्हारे बारे में, तो वो डिपेंड करता है। तुम अगर छोटी मोटी हमारी लड़ाई हो, वो किसी से शेयर कर रही हो, तो समझ में आता है, मैं बता दूंगा कि हाँ इससे कर लो, उससे कर लो। अब इससे कर सीधा लो, उससे कर लो, ये नहीं बताना है तुम्हें। तुम्हें ये बताना है कि जैसे सामने वाले का रिएक्शन जो होगा सो होगा, मतलब जैसा भी होगा, फिर उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, भाई ऐसा तो किस बताना टॉपिक तुम्हें। पे? छोटी मोटी लड़ाई भी ले लो। चलो हाँ छोटी मोटी लड़ाई, ये बोला ना तुमने, ठीक है, तुम्हारी मुझसे लड़ाई एग्जांपल दे हुई रही हूँ है। सिर्फ। हाँ तुम्हारी मुझसे लड़ाई हुई है, तुम्हें किसी और से एडवाइस लेनी है कि अब क्या करना चाहिए। तो भाई तुम अपनी फ्रेंड से बात कर सकती हो, अपनी किसी दोस्त से बात कर सकती हो, घर में किसी बहन बहन से बात कर सकती हो। सिंपल कि यार मेरी इससे लड़ाई हो गई है, जो जिसको हमारे रिलेशन में पता हो कि मेरी इससे लड़ाई हो गई है, इस बात पर लड़ाई हुई है, तो ये लगता है मैं गलत हूँ या वो गलत है। और एडवाइस भी किसी, अब बोलना समझ चाहूँगा, गई, किसी सी से मत ले लेना, ठीक है ना। क्योंकि मैं जितनी भी तुम्हारी जान पहचान में है, तुम्हारी ज़्यादातर मैंने देखे हैं सी ही हैं, ठीक है ना। बहुत मैंने देखे हैं वो सी हैं, वो तुम्हें एडवाइस देंगे ना, उनकी खुद की एडवाइस उनके पास एक्चुअल नहीं में है। मैं रियलिटी बताऊं तो मैं किसी से, जहां तुम्हें लगता है कि मैं सबसे एडवाइस लेती हूँ, पर मैं किसी से एडवाइस मैंने नहीं क्या लेती बोला, हूँ। तुमने हाँ, तुम्हें अगर एडवाइस एडवाइस, की पूछी, मैंने बोला कि लेना तो ऐसे इंसान, मैंने यूं नहीं बोला तुम एडवाइस लेती हो, मैं बोला लेना ऐसे अरे इंसान वो से लेना, मैंने तुम्हारी बात जैसे समझ तुम्हारी लिया। फ्रेंड वो प्रीति है, उससे आगे एडवाइस लोगी, बोले अरे बहन ब्रेकअप कर तू, देख देख जे मैं लड़के दिखा रही हूँ, कितने हैंडसम है, इनसे रिलेशन चलवाऊँ तेरा, तो ऐसे इंसान से एडवाइस लोगी तो तुम अरे तो फिर तो बेकार भैया। मैं एक एग्जांपल पूछ रही थी एडवाइस का, बाकी मैं किसी से एडवाइस नहीं लेती, मैं सिर्फ अपनी सोच से चलती तो हूँ उसे। एग्जाम्पल में मैंने बता दिया ना तुम्हें। ठीक है, चलो फिर और मैं अगर यही बताऊँ। ब्रेकअप वाली बात है, फिर ठीक है, अगर ये बात ब्रेकअप वाली है, तो मैं क्या एडवाइस दूंगा तुम्हें कि तुम्हें तुम किसी, क्यों दे रहे हो? मैं बताऊंगा ना, तुमने भी मुझसे पूछा ना, किसी और थोड़ी पूछा, कि तुम किसी के पास मत ही जाओ, तुम डायरेक्ट मेरे पास आओ, जो बात है वन टू वन कन्वर्सेशन करो, अच्छा, ठीक मुझे है। तुमसे ब्रेकअप करना है। अच्छा हाँ तो बोलो ना वो साफ। अब समझ लो ब्रेकअप वाली बात है, 50 बातें तुमने मेरे दिल में रख रखी है, जिसमें साली 30 तो मैं बात करके कैंसिल कर सकता हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आई हैं 30 बातें। तुमने किसी और से बात की, किसी सी पर्सन से, उसने 50 और दिमाग में तुम्हारी व्हाट डू लगा यू मीन दी। यार, मेरी जिंदगी में सारे सी पर्सन ही है, कोई मतलब एक ऐसा इंसान नहीं 80% है सी है, तुम्हारी तो जिंदगी में होंगे। मेरी जिंदगी में तो पूरी ही सही है, मैं तो उनसे एडवाइस ही नहीं लेता हूँ, यही छोड़ो, एक तुमसे ही लेता हूँ, घर वालों से लेता हूँ नहीं तो बात। मैंने भी तो बोला मैं किसी से एडवाइस नहीं लेती, मैं हाँ तो अपनी उस सोच से मैं तो चलती खुद हूँ, को मैं भी बोल सिर्फ रहा एक हूँ, बात कर रही मेरे जो हूँ। दोस्त हैं, अगर मैं तुमसे तुम्हारे बारे में जिक्र करूँगा, ये बोलेंगे अरे क्या रिलेशनशिप में पड़ा हुआ है ब्रेकअप का। मुझे पता है ना, मैं तो खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना ये चीज़, हर इंसान से अलग, तुम एक लेवल की। अब मैं अपने दोस्तों बात करता हूँ कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, वो बता सकते हैं, बढ़िया एडवाइस देंगे, 101% जेन्युइन। मैं लोग रिलेशन में प्रॉब्लम हो गया, अबे ब्रेकअप का है क्या पागलबंदी पड़ा हुआ, तो हर इंसान से अलग एडवाइस लेनी चाहिए, ठीक है। तुम वकील के पास जाके यूँ नहीं बोलोगे मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है दवाई लिख दो, डॉक्टर के पास यूँ नहीं बोलोगे जाके मेरा केस लड़ लो,
समझ रहे हो मेरे चलो कहने का इन मतलब? फ्यूचर वैसे तो कभी कंडीशन नहीं, आएगी ये नहीं आएगी बहुत तब गहरी देखते बात है, हैं। कुछ हाँ समझा ठीक तुमने है इस चीज से? समझा। जो अपने रिलेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरे हिसाब से अगर आपकी लड़ाई भी होती है तो अभी आप 1-to-1 बात करो, और अगर आपका ब्रेकअप भी होता है तो अभी आप 1-to-1 बात करो, ये मेरा बिल्कुल दिल बिल्कुल कहता है। बिकॉज अगर थर्ड पर्सन को लेकिन आप बीच में मेरी बात डालोगे, वहीं पे रह गई अभी। थर्ड पर्सन को बीच में डालोगे तो 50% वो उसे सही बताएगा, 50% तुम्हें सही लेकिन बताएगा, मेरी बात एट द लास्ट तुम्हारा क्या होगा, रिलेशनशिप खत्म होगा। तो इससे तो मेरी तुम वन बात टू वो रह वन गई, मैं पूरी बात मेरी रिलेशन, खत्म ही नहीं हुई। हाँ तुम्हारी वो कर वन ली टू वन बात करके या तो सॉर्ट करो, सॉर्ट नहीं हो पाता है तो तुम खत्म करो बस। तुम्हारी खत्म। लेकिन मैंने इस ब्रेकअप वाली बात नहीं, मैंने जो कहा था वो बात अभी तक क्लियर नहीं हुआ। मैंने ये कहा था, तुमने मुझसे 10% पूछा था, मैं 10% उसके बाद मैंने कह दी कि तुम्हें मतलब सही होती हो तुम, 95% 90 केसेस में तुम सही होती हो, मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू सही होते हैं, तुम सही होती हो, बट तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम बताया क्या है, 1-5% में दिमाग गलत हो ना, वो तुम में इतनी हिम्मत नहीं है या तुम में वो नहीं है कि यार ये चीज़ यार मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, इस 5% में तो मैं गलत हूँ, और इस ये मतलब चीज़ करने से सामने वाले को हर्ट हो रहा है, और वही अगर मैं खुद पे रखूँ और सामने वाले से एक्सेप्ट करूँ, एक्सपेक्ट करूँ कि भाई अगर ये चीज़ मैं तुम्हें मना कर रही हूँ तो वो चीज़ ये नहीं करेगा, लेकिन मैं वो चीज़ करूँगी और मैं रीज़न कह दूँगी, तुम्हारा तो हर बात में मुँह खुल जाता है, ये रीज़न देगी मैं वो चीज़ छोड़ दूंगी, और सामने वाले को हर्ट होता है होने दो, मैं तो अपना वो करूँगी, बाद में देखूँगी, मना लूँगी, समझ लो। ये चीज़ तुम्हें सुधारने की होता है, और अगर नहीं सुधार रहे तो फिर इस चीज़ का मैं बताऊँ क्या रिएक्शन होगा, कि तुम जो सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि अगर तुम्हें हर्ट हो रहा वो चीज़ नहीं करेगा, तो फिर वो भी इंसान वही चीज़ करेगा, बार बार करेगा, और ख़ासकर मेरे केस में मैं ऐसा बिल्कुल करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड मी बेटर। बेटर अंडरस्टैंड। वो 5% 10% जो तुम्हारा है ना, वो यही चीज़ मुझे तुम्हारी लगती है, ठीक, और जो 90% तुम्हें क्या अच्छा लगता है ये तो तुमने तुम बताया ही पूरी नहीं। अच्छी, 90% पूरी अच्छी, हर चीज़ में तुम मतलब मान जाती हो मेरा ज़्यादातर। ब्लैक आपने इतने अच्छे से डिफाइन किया ना, आपने 10% और 90% में थोड़ा अच्छे से डिफाइन हाँ करो यार। बिल्कुल बिल्कुल जब मैं डिफाइन ब्लैक पर्सन करूँगा, इतने गौर से सुन रही हूँ तो वाइट भी तो मेरा सुनने का हक बनता है। हाँ बिल्कुल मैं ऐसा बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल, ना होता मैं बता रहा हूँ ना वाइट में, है। हाँ मैं देखो बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस चीज़ देखो का तो। वाइट में तुम मेरी केयर करती हो, ठीक है, मेरी केयर करती हो, मुझे समझती हो, मेरी अंडरस्टैंड करती हो, अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ तो तुम उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढती हो मेरे साथ, अगर मैं दुखी हूँ तो तुम भी दुखी होती हो, मेरा हर मतलब बुरी से बुरी सिचुएशन में ही मेरा साथ देती हो, बहुत लड़कियाँ होती हैं लोग होते हैं ना चाहे बुरी सिचुएशन, साले को लात मार, मुझे लगता है तुम उनमें से अभी नहीं हो, ठीक है, इन फ्यूचर सी लोगों के साथ रह के तुम हो जाओ तो कह नहीं प्लीज सकता बट, यार प्लीज। लेकिन अभी तुम वैसी नहीं हो, अभी मतलब जो मैं 90% बता रहा हूँ कि अगर मेरे पे मेरे ऊपर प्रॉब्लम आई, कोई मेरी सबसे बुरी कंडीशन मेरी लाइफ की चल रही है, तो तुम मेरे साथ रहोगी, और मेरे साथ जहाँ तक तो हो सकता है, जहाँ तक मतलब पॉसिबल है वहाँ तक तुम देने की कोशिश करोगी, अब बाकी तो इंसान खुद ही नहीं उठ रहा तो साला कोई उसको उठा नहीं सकता, लेकिन ये चीज़ है कि तुम मतलब मुझे गिनने नहीं दोगी, पूरी कोशिश करोगी मैं साथ लेके चलूँ, अपने जहाँ तक लेके जा सकती हो, तुम्हारी लिमिट जहाँ तक है, वो वाली लाइन अच्छी थी, जब वो खुद ही उठने कोशिश नहीं कर रहा तो तुम क्या ही साथ दोगे तो वो चीज़, उसका। हाँ, लेकिन फिर भी तुम मतलब एक लास्ट मोमेंट तक साथ छोड़ने की कोशिश नहीं करोगे, समझ, अब मैं बोल रहा हूँ मैं तो खाई में कूदने आ रहा हूँ, घसीट रहा हूँ तुम्हें, घसीट रहा हूँ तुम बोले नहीं, तो अब भाई इंसान अपना दिमाग लगाएगा, मैं तुम्हारा हाथ तुम्हारी हाथ खींच के तुम्हें खाई में गिराऊंगा, ऑब्वियसली तुम नहीं गिरोगी और नहीं गिरना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं 90% जो मैंने बताया, एक्चुअल में तुमने इस बात में मेरी आधी से ज़्यादा मतलब आधी से ज़्यादा तुमने मेरी कंडीशन समझ ली, मुझे ऐसा लगता है हाँ इस वाली मतलब इस एक इतनी सी लाइन में, जहाँ तक मुझे लगता है कि तुमने समझी। बाकी मुझे नहीं पता कि तुमने समझी या नहीं समझी, तुमने सिर्फ इतनी लाइन बोली तो। नहीं, मैं तुम्हारी समझ तो हर बात जाता हूँ, ऐसी बात नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं समझता हूँ, बट हर बात को कन्वर्सेशन करके बताना मुझे सही नहीं लगता है, हाँ मैं नहीं दूर से समझ जाता हूँ, हाँ ये चीज़ इसके दिमाग में चल रही है, और ये चीज़ यहाँ पे अब जो ड्रॉप आउट कर चुकी है, मैं किस चीज़ में ड्रॉप आउट कर चुकी बताना। मैंने बोला ना हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कन्वर्सेशन करके चलो बताना, लेकिन समझ जाता है इंसान बड़ी जल्दी समझ जाते हो तो यार, जी, मतलब मुझे तो लगना वो चाहिए जो तुम्हारा जिस 10% है उसका थोड़ा आप देखिए, बिल्कुल बात वरना तो आप खो सकते हो लोगों को, सीरियसली बोल रहा हूँ, लोगों को या बिल्कुल वो 10% लोगों ना में से कौन मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आपने वाइट ब्लैक बोला है, मेरे दिमाग में नहीं था लेकिन हमने वाइट ब्लैक बोला ना, वाइट में तुम 2-3 बूंदे ब्लैक की डाल दो तो पूरा कलर ना ब्लैक ही हो जाता है तुम्हारा, ठीक है ना, और तुम्हारा तो 10% मैंने ब्लैक बताया, 10% बहुत बड़ा नंबर है ना वाइट को ख़त्म करने के लिए, तो अच्छी देख बिल्कुल।
बाकी थोड़ी सी खुशी हुई, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी खुशी हुई। आई नो दैट तुम थोड़ी सी खुशी मना सकती हो। किस चीज की हुई बताना? कि तुम्हें लग रहा है तुम अंडरस्टैंड अच्छे तरह कर पाता हूँ? नहीं मैंने नहीं बोला ऐसा, तो कि मतलब जो मेरे मन में चल रहा है वो तो एक्चुअली में तुम्हें पता है। मुझे बताया, क्या पता है बताओ? और जो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं करता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हें अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। बट तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं दोबारा वो पॉइंट बोलूँगा, तुम बोलो गाड़ी की पॉइंट को पढ़ के बैठे आते हो। तुम सी लोगों की लिस्ट में आ गए, तुमने अपना दिमाग ख़राब कर रखा है। मैं तो किसी सी लोग की लिस्ट में नहीं आई हूँ। मैं बताया ना, मुझे मैं क्या बोला, मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हें अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, जो तुम्हें खुद ही नहीं पता चल रहा कोई मुझे इतना अंडरस्टैंड कर लेगा। चलो ठीक है, बहुत हो गई आज की जी बातें। आज का ज्ञान बहुत हो गया, चलिए फोन रखिए। चलो बाय।